आलू के चिप्स जो बाजार में मिलते हैं उनसे कई ज्यादा हेल्दी चिप्स आप घर पर ही बना सकते हैं और बहुत आसान है। आइए आज हम बनाएंगे बेक पोटैटो चिप्स विद रॉक सॉल्ट। हमारे पास रॉक सॉल्ट है और आलू है, तो ये झटपट से बना डालते हैं बेक्ड पोटैटो चिप्स। इसके लिए हम आलू को सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे। आलू के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिट्टी ना रहे, क्योंकि आलू तो ज़मीन के नीचे उगते हैं, इसलिए इनमें मिट्टी रहना थोड़ा सा लाजमी है। तो अगर आपने ठीक से सफाई नहीं किया तो मिट्टी रह सकती है। और इसी तरीके से हमने आलू धोने के बाद ये सोचा कि इसको नमक में डाल देंगे, तो जो नमक है काफ़ी हद तक वो इसके सरफेस के बाहर लग जाता है, इससे थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आने लग जाता है। तो हम एक ट्रे में नमक बिछा लेंगे। आप चाहें तो साधारण नमक बिछा सकते हैं या फिर रॉक सॉल्ट बिछा लीजिए। एक प्लेट में आलू को लेके इनके ऊपर आप नमक मल सकते हैं। और साथ ही में थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो उसमें मस्टर्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि आलू गीले हैं, ये सब जल्दी से इस पे चिपक जाएगा। इन्हें अच्छे से आप मल लीजिए और इसके बाद इसको आप फॉइल में लपेट लें, एल्यूमिनियम की फॉइल के पीसेस काट के। इस तरह से बीच में रखिए आलू और इनको आप पैक कर दीजिए। इस तरह से नीचे की साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर नीचे से हीट ज़्यादा मिल भी जाए, वैसे तो सॉल्ट बचा लेगा लेकिन आलू नीचे से जलेगा नहीं। इसी प्रकार से सभी आलूओं को हम इस एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट लेंगे। और इस तरह से इसको तैयार कर लेते हैं बेक होने के लिए। ओवन को हम 200 डिग्रीज के ऊपर पहले से ही प्री हीट करके रख लेंगे और इस पहले से गर्म ओवन के अंदर हम इन आलूओं को डाल के पका लेंगे। 45 मिनट से एक घंटे के अंदर ये आलू बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम पक के तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो जो मैं पोटैटो चिप्स बनाने जा रहा हूँ ये बेक्ड हैं, आप चाहें तो आलू को उबालने के बाद भी काटने के बाद बेक कर सकते हैं। यानी कि पहले आधे आलू उबाल लीजिए और जब आलू आधे उबल जाएँ तो उसको आप काट लीजिए, उस पर सॉल्ट लगाइए और बाकी का हिस्सा बेकिंग से आप कर सकते हैं। पर ये आधे उबले और आधे बेक्ड हो जाएंगे। हम पूरे बेक्ड आलू बना रहे हैं। तो लीजिए, हमने आलूओं को इसमें डाल लिया। अब इसको हम ओवन में डाल देंगे बेक होने के लिए और इसको लगभग 45 मिनट से एक घंटा लगेगा बेक होने के लिए। पर मैंने समय बचाने के लिए कुछ आलू पहले से ही बेक कर लिए हैं और आइए हम इनको खोल लेते हैं। बेक होने के बाद ये इस तरह से हो जाएंगे, अंदर से काफ़ी मॉइस्ट हैं। आलूओं को हम पहले आधा काट लेंगे, उसके बाद एक के चार हिस्से कर लेंगे बीच में से। एक का चार करने के बाद हम इसको बेकिंग ट्रे में लगा लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के आलू भी काट लेते हैं और बेकिंग ट्रे में लगा लेते हैं। मैं आपसे बता रहा था कि आप इसको इस तरह से भी पोटैटो चिप्स बना सकते हैं या फिर पोटैटो स्किन। सिर्फ इस तरह से आलू को लीजिए, बीच में से हमने काट के इसके चार हिस्से कर लिए जैसे कि इनको किया है। उसके बाद आप छोटी नाइफ से या बड़ी ही नाइफ से इसका अंदर से फ्लैश निकाल लीजिए इस तरह से। ये हमारे पोटैटो स्किन्स तैयार हैं जो कि बेक्ड हैं। इस तरह भी आप इनको बना सकते हैं। अब इनके ऊपर हम डालेंगे रॉक सॉल्ट, क्योंकि ये आलू अभी ताज़ा कटा है तो रॉक सॉल्ट जो है इस पे चिपक जाएगा। रॉक सॉल्ट के साथ ही इसमें हम डालेंगे थाइम, ये बहुत ही कमाल करती है बेक्ड होने के बाद।
बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सभी आलू के ऊपर हम थाइम हर्ब को डाल देते हैं। अगर आपके पास थाइम नहीं है तो आप सूखा धनिया भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, और उसी तरह से जैसे कि हमने इन पे डाला है, आइए इसके ऊपर भी हम थाइम और रॉक सॉल्ट डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल भी कर सकते हैं और उसके बाद बेक कर सकते हैं। और अब इसको हम बेक करेंगे ओवन के अंदर 200 डिग्री के ऊपर। ओवन हमारा पहले से ही गर्म है, तो आइए इसको ओवन में डालते हैं और बेक कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है कि आलूओं को बेक किया जाए या इनके जो स्किन है उनको बेक किया जाए, पोटैटो स्किन अगर आपने बनाने हैं या फ्रेंच फ्राइज या आपने पोटैटो चिप्स इस तरह से बनाने हैं बोट शेप में, तो इनको आप तीन तरीके से बना सकते हैं। इनको हम होम फ्राइज भी बोल सकते हैं, इनको हम पोटैटो चिप्स भी बोल सकते हैं, या इनको हम पोटैटो स्किन भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो इसको बेक कीजिए या फिर इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरह से। तो लीजिए, जो हमारे फ्राइड पोटैटो स्किन हैं ये तो तैयार हो भी गए। इनको निकालिए। इस पे वैसे रॉक सॉल्ट और थाइम तो है ही, फिर भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक बुरकिए, थोड़ी सी ताजी कुटी काली मिर्च, और लीजिए हमारे पोटैटो स्किन तो तैयार भी हो गए। हम इंतजार कर रहे हैं बेक पोटैटो चिप्स जो हमने रॉक सॉल्ट के साथ अंदर डाले हैं अवन में बेक होने के लिए। उनमें ऑयल कम है और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। आलू ना पसंद करने वाले भी रुक नहीं पाते उसे खाने से। जैसे ही वो बेक होकर निकलते हैं मैं उनको सर्व करता हूँ। तो लीजिए, हमारे बेक पोटैटो चिप्स विद रॉक सॉल्ट तैयार हो चुके हैं। अब इनको बनाने के लिए आप या तो इन्हें फ्राइड बनाइए इस तरह से, या फिर इनको बेक करके इस तरह से बनाइए। देखिए कितने सुनहरी हैं, एकदम गोल्डन और क्रिस्प।